साथियों, आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि जो चंद्रशेखर जी को योगी सरकार ने राज्यपाल आगे बंद कर रखा है, उसको हमको कैसे रिहा कराना है, इस पे हमें बात करने की जरूरत है। अगर बात करने की जरूरत है कि जो संघ के खिलाफ बोलेगा, जो वंचित तबके से आता है जेल में रहेगा, चाहे चंद्रशेखर हो या लालू हो। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से संघ ने आज देश में प्रोपेगेंडा फैला रखा है नेशनल और एंटी नेशनल का, इनको सारे लोग एंटी नेशनल पंच समझा से दिखते हैं, SC ST OBC से दिखते हैं, क्योंकि ये मुंह से पैदा होते हैं और हम मेहनत से पैदा होते हैं। साथियों, आपको ध्यान रखना होगा, एक लाइन खींचनी होगी इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, एक लाइन खींचनी होगी कि जो लड़ाई होगी वो आमने सामने होगी। चंद्रशेखर की रिहाई होगी और हम वादा करते हैं आपसे, हम लोगों ने 31 मई 2017 को विधानसभा उत्तर प्रदेश घेरा था, हम आपको वादा करते हैं कि अगर नहीं माने तो हम संसद घेरेंगे, लेकिन साथी चंद्रशेखर के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। साथियों, अब बात करना चाहते हैं कि अधिकतर लोग जेल में कौन है, आप देखिए जेल में कौन है, जेल में मुसलमान है, जेल में पिछड़ा है, आदिवासी है और जेल में दलित है। ये पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जेल में हम रहे और राज ये करें, लेकिन आप नहीं होने देंगे, हम राज करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। मोदी जैसे और अमित शाह जैसा गुंडा, हम एक महीने गुजरात में रहे, अमित शाह से बड़ा गुंडा इस देश में कोई नहीं है। वहां का बच्चा बच्चा कांपता है, जब मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था कैंपेन करने तो वहां लड़के आया, बोले भैया आपके साथ चलेंगे, हमें प्रॉब्लम क्या है, बोले प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक ही है कि अमित शाह इस देश का बहुत बड़ा गुंडा है और आप लोग उसके खिलाफ कैंपेन कर रहा है। साथियों, हम वहां भी डरे थे, उनके गुजरात में हम देश में भी नहीं रहने वाले। इस गुंडे को जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको 2019 में नेशनल अवार्ड कर दीजिए पूरी तरह से, इसको देश से उगाड़ फेंकिए संघ के दलालों को, तभी इस मायने में जानेंगे कि देश में बहुजन क्रांति आ रही है, देश में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है और इस पे हम लड़े हैं, लड़ेंगे। कास्ट सेंसस हमारा नया मुद्दा है, हम चाहते हैं कि देश में कास्ट सेंसस आए, रिप्रेजेंटेशन सरकार दिखाए और उस पे हमारा एक रैली होने वाला है। मैं चाहूंगा साथियों आप लोग उससे जुड़िए और हम आपसे युवाओं के लिए अपील करना चाहते हैं कि जहां भी जिस भी मुद्दे पे युवाओं को शोषित किया जाएगा, हम उन युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे, चाहे हमारी विचारधारा कोई हो, लेकिन अगर युवाओं को परेशान किया जाएगा देश में तो हम साथ खड़े होंगे। जय भीम, जय भूलो।